आप देख रहे हैं बकवास टीवी। आज हम लोगों से बात करेंगे कि 29 फरवरी को गवर्नमेंट ने जो है दोबारा से लॉकडाउन अनाउंस किया है, लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। हालांकि ये मंथ है 28 फरवरी का, तो हम 29 का क्या है कि देखते हैं लोगों से क्या उनकी राय है, लोगों का जनरल नॉलेज कितना है इस पर, तो लोग अपने सेंस के हिसाब से कैसा जवाब देते हैं। आपके सामने आज सारा एपिसोड रखूँगा, लोगों के व्यूज़ रखूँगा। आइए, 29 फरवरी को दोबारा से लॉकडाउन अनाउंस हो गया, दोबारा से बच्चों को स्कूल में आना मना कर दिया गया, स्कूल बंद हो रहे हैं और कारोबार मार्केट भी बंद हो रही हैं। आप इस फैसले की फेवर करती हैं? अच्छा, चलो नहीं, मेरे ख्याल से स्कूल्स को तो नहीं करना चाहिए बंद, हर चीज़ तो ओपन है। आप यहाँ पे क्राउड भी देख सकते हैं, इतना क्राउड है यहाँ। 29 फरवरी को अगर आपको कहे, आप बच्चों को कहे कि इनको स्कूल नहीं भेजना या आपने ये कारोबार नहीं करना, स्कूल्स पे क्यों, सिर्फ स्कूल्स पे क्यों, मार्केट्स वगैरह हर जगह होना चाहिए। आपका मतलब होए तो फिर टोटल होए, टोटल हो, अगर नहीं है तो फिर स्कूल्स में क्यों, सिर्फ स्टडीज़ को क्यों किया जा रहा है। 29 फरवरी को आप बच्चों को स्कूल भेजेंगी? ऑब्वियसली भेजेंगी, यस डेफिनेटली। स्कूल्स में तो नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो ओवरऑल होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। इस महीने की 29 फरवरी को दोबारा से लॉकडाउन हो रहा है, दोबारा से स्कूल बंद हो रहे हैं, आप क्या इस फैसले की हिमायत करते हैं? हिमायत तो नहीं करेंगे हम, क्योंकि आगे कारोबार नहीं है, बच्चों की तालीम नहीं है, तो हिमायत तो नहीं करेंगे। लेकिन अब जो ऊपर बैठे हैं फैसला दोनों नहीं करेंगे। 29 फरवरी को दोबारा से लॉकडाउन और स्कूल बंद होना, आप इसकी टोटल मुखालफत करेंगे? हाँ, मुखालफत करेंगे, नहीं होना चाहिए, जितना होना था वो काफ़ी है। वो काफ़ी है, देखिए जो पहली लहर थी उसका जो खौफ था, टेरर था, अब दूसरी लहर में वो खौफ और टेरर नहीं है, अब तीसरी लहर में तो बिल्कुल नहीं होगा। 29 फरवरी के बाद अगर कोई आपको कोई कहता है कि आप ये जो है अपना काम बंद कर दें, बच्चों को स्कूल ना भेजें, तो आप उसको मानेंगे? वो नहीं मानेंगे, बाकी गवर्नमेंट जो कहेगी वो तो फिर मैं मानना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो दोबारा से लॉकडाउन हो रहा है, बच्चों का स्कूल जाना ममनू है, मार्केटें बंद है, आप इस फैसले की फेवर करते हैं? आगे तालीम के बड़ा नुकसान हो चुका है, तालीम एजुकेशन रोज़ लाजमी बच्चों की। 29 तारीख को अगर वो 29 फरवरी को वो कहते हैं कि आप, मेरा नहीं ख्याल कि लॉकडाउन होगा। 29 फरवरी को अगर वो कहते हैं कि आपने काम पे नहीं आना या बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, तो आप ऐसा करेंगे? स्कूल गवर्नमेंट फैसला उसको अमल दरामद करना पड़ेगा, फिर कैसे आप कर सकते हैं। यानी कि आप अपने ज़ाती तौर पर इस फैसले की जो है ना नहीं मानते, आप इसकी पासदारी नहीं करते, यानी कि ये फैसला सही नहीं है, बच्चों को आगे बढ़ तालीम नुकसान, यानी कि आप इस फैसले की मुखालफत में हैं। बड़ी मेहनत, शुक्रिया। 29 तारीख तो दोबारा लॉकडाउन हो रहा है, स्कूल बच्चों के बंद हो रहे हैं, तो मार्केटा बंद हो रही हैं, साढ़े ख्याल से बंद होना चाहिए? वैसे बंद तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बच्चे के स्कूल भी बंद हो रहे हैं, नहीं होना चाहिए, तो खुलने चाहिए जी, होते खुलने चाहिए। 29 तारीख को अपने बच्चों ने स्कूल भेजोगे? 29 छुट्टी होगी जी, 29 आई कौन नती नहीं, असली नहीं ना ना, सारे कहने ने असली बच्चों भेजना ते भेज दें, जड़ा भेजना भेज दें ना, नती है नती से। किधर से आए हो आप? हम तो जनाब बदामी बाग से आए, लोहे वाली पुलिस। बदामी बाग से? लोहे वाली पुलिस, लोहे वाली पुलिस से आए हैं आप? अच्छा, आपको शायद इल्म हो कि 29 तारीख को, इस महीने की 29 तारीख को दोबारा से लॉकडाउन हो रहा है, बच्चों के स्कूल दोबारा से बंद हो रहे हैं और मार्केटें बंद हो रही हैं, क्या कहेंगे, होना चाहिए ऐसा? नहीं, ये गलत बात है जी, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आगे ही सारे बच्चों का पढ़ाई से ध्यान उठी है, पढ़ाई से सारे बच्चों का ध्यान उठ गया। अब किसी बच्चे पिछले 6 माह का लॉकडाउन हुआ, उसके बाद दोबारा फिर लॉकडाउन हुआ, तो दोबारा रूटीन सेट हुई है बच्चों की, फिर लॉकडाउन करने की बात कर रहा हूँ। अभी जो 29 तारीख को दोबारा अनाउंस करके मार्केटें भी बंद हो रही हैं, स्कूल भी बंद हो रहे हैं, ये काम गलत है। अच्छी बात है, अभी आवाम बंद करने नहीं देंगे, अब ये वाला काम ही नहीं होना। अब सबको पता है कोरोना शोरोना तो है नहीं, वैसे एक पता नहीं एक गेम चल रहा है उनकी तरफ से, कोरोना नहीं है, हमारे रिश्तेदार किसी रिश्तेदार को नहीं हुआ, ऐसे देखो सारे कुछ भी नहीं है, जुकाम आप मानते हैं कोरोना नहीं है। इससे पहले 29 तारीख के बाद आप अपनी दुकानें वगैरह बंद करेंगे या काम वगैरह पे जाना? नहीं, काम तो किसी सूरत बंद नहीं करेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, काम क्यों बंद करें भाई, वर्क डांग। काम नहीं बंद करना। आपकी नज़र में कोरोना भी कुछ नहीं है? हमारी नज़र में तो कोरोना हमें नहीं लग रहा। अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ में भाई को कोरोना की शिकायत हो जाती है तो आप उसके साथ घूमेंगे? मैं तो हर वक्त इसके साथ घूमूंगा, चाहे इसको जो मर्जी हो जाए, मैं तो इसको खुद लेके जाऊँगा। अल्लाह ना करे इसको हो जाए। हमने क्यों इससे नफरत करना है, हमने क्यों इससे दूर हो जाना है कोरोना की वजह से? लेकिन एक एहतियात तो अच्छी चीज़ है ना कि कोविड की वजह से मास्क बहुत किया यार, ये पूरा साल एहतियात किया, फिर क्या हो? कुछ नहीं हुआ, कुछ होना चाहिए, कुछ है नहीं है प्लान। जिनका डेट एक्सपायर था वो लोग चले गए, फिर आप दोनों मास्क उतार दें। चले, थैंक यू। मास्क नहीं आने का कोयटा से आए हैं 29 फरवरी को, इस महीने की 29 फरवरी को दोबारा से लॉकडाउन हो रहा है, स्कूल दोबारा से बंद हो रहे हैं यहाँ पे, हर जगह पे। जी जी। तो आप समझते हैं ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तालीमें ख़राब हो गई, सारे बच्चे दर बदर हो गए, पूरे साल, अभी दूसरा साल जा रहे बच्चों के, साल ख़राब हो रहे हो, ज़िंदगी बिल्कुल बच्चों की तबाह होगी। 29 फरवरी को अगर आपको वो कहते हैं अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें या काम ना करें, मार्केटों में ना जाएँ, तो आप इसकी करेंगे पासदारी? नहीं, पासदारी नहीं करेंगे। यानी कि आप पाकिस्तान एक तो वैसे भी कमज़ोर है, हालात कमज़ोर है, मैशत कमज़ोर है, लॉकडाउन खाना फलाना, फिर दूसरे तरफ से बच्चों के भी ज़िंदगी तबाह हो रही, बच्चे की स्कूलें बंद। पिछले साल बलूचिस्तान में इंतजाम की दुनिया नहीं हो सका, फिर माँ फिर वो हो रहा था, फिर नहीं हो सका, अभी फिर नहीं हो जाए तो ज़ाया हुआ सर। ठीक है, यानी कि आप दूसरे साल बच्चों की ज़ाया होगी, 2 साल ज़ाया होगी। यानी कि आप इस 29 फरवरी के फैसले के बिल्कुल खिलाफ है? बिल्कुल। मजीद 29 फरवरी से दोबारा से लॉकडाउन का अनाउंस हो गया, स्कूल भी बंद हो रहे हैं और मार्केट्स भी बंद हो रहे हैं, आप इस फैसले की फेवर करते हैं? फेवर नहीं करता, लेकिन ये है कि इसका ख्याल करना चाहिए, हमें लॉकडाउन के असूलों के ऊपर चलना चाहिए। 29 फरवरी को अगर आपको कोई आपने आप अपना कारोबार नहीं करना है, आपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, भेजेंगे? बच्चों के साथ चलो बंद, बच्चे घर बैठे रहे हैं। थैंक यू। इस महीने की 29 फरवरी को दोबारा से लॉकडाउन हो रहा है, दोबारा से मार्केटें बंद हो रही हैं, स्कूल दोबारा से बंद हो रहे हैं, तो क्या ये ठीक फैसला है? कोरोना की तरह नहीं है, कोरोना नहीं है। तो इस महीने की जो 29 तारीख को ये सब कुछ अब दोबारा से ऐसे जितना पहले था वैसे हो जाएगा, तो आप इसकी हमायत करते हैं कि ऐसा होना चाहिए? जी, जिस तरह का पहला होना तो इस तरह होना चाहिए, दोबारा से लॉकडाउन होना चाहिए। नहीं, लॉकडाउन की तरह होना है, गरीब सारा तबाह हो गया। तो आप तो कह रहे हैं जिस तरह पहले था वैसे होना चाहिए? नहीं, पहला नहीं, जिस तरह पहला कोरोना नहीं था उस तरह होना चाहिए, जिस तरह पहले गुजारा हो रहा था वैसे होना चाहिए। तो अगर सारा काम बंद है, तो अभी जब ये 29 तारीख से लॉकडाउन दोबारा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? बच्चों को स्कूल भेजेंगे? किधर भेजेंगे? किधर भेजेंगे? हमारे जब वक्त बंद हो गया किधर भेजेंगे? मतलब कि आप इसके खिलाफ हैं कि नहीं, 29 तारीख को नहीं बंद होना चाहिए? नहीं, अभी तो हमारा हाथ में नहीं है, अगर हम बंद, अगर हम बोलेंगे बंद करेंगे, नहीं बंद करेंगे। लेकिन आप खोले रखेगा? आप खोले रखेगा? चलिए, बड़ी मेहरबानी। तो दोबारा से लॉकडाउन हो रहा है, दोबारा से स्कूल बंद हो रहे हैं और मार्केटें बंद हो रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये होना चाहिए? ये सर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। 29 फरवरी को अगर आपको कोई आपको कारोबार बंद करवा दे या वो आपसे कहेंगे अपने कारोबार वैसे भी नहीं है, वैसे भी डाउन है कारोबार, हालात वैसे भी खराब, उसे अच्छा। 29 तारीख को आपको कहेगा कि आपने ये काम नहीं करना, आप करेंगे कि नहीं करेंगे? जाओ कर करेंगे, घर में बैठेंगे, आप वेले मसरूफ हैं। इतना रेस्ट तो घर वाले नहीं देते जितना हुकूमत देते। अच्छा।